हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल साकिब आलम टेक पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करते हैं कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कैसे मदर कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है और यहां पर सर्च करना है NFC और सर्च कर देना है। अब ये देख सकते हैं, ये जो है ये ऑन ऑफ हो रहा है, ये NFC है। NFC सेटिंग अगर आपके मोबाइल में होगा तभी आप अपने मोबाइल से आप वीज़ा, मास्टर कार्ड या फिर मदा पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और ओपन करते हैं गूगल पे और यहाँ पर टाइप करते हैं मदा पे, सर्च करते हैं। सबसे ऊपर में आया ये मदा पे, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और ओपन करते हैं मदा कार्ड को। ये मदा पे आ गया हूँ। मैंने ऑलरेडी दो कार्ड को इसमें ऐड कर रखा है। न्यू यूज़र्स, यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद ये कार्ड नंबर, जो ये देख रहे हैं कार्ड नंबर है, ये कार्ड नंबर को यहाँ टाइप करना है, 16 डिजिट कार्ड नंबर को। उसके बाद नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद ये एक्सपायरी डेट को डालना है। फिर नेक्स्ट करना है, फिर से आपको ATM के पीछे में ये 3 डिजिट नंबर होता है, ये 3 डिजिट नंबर को देना है और आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसको OTP को डाल देना है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। आपका ATM कार्ड में Wi-Fi होना ज़रूरी है इसके लिए। Wi-Fi का होना ज़रूरी है, Wi-Fi सिस्टम नहीं होएगा तो बिल्कुल पेमेंट नहीं कर पाएंगे आप अपने मोबाइल से। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे इससे पेमेंट किया जाता है। तो मैं एक बार इस एप्लीकेशन को बंद करता हूं और बंद करने के बाद अगर मेरे पास दो कार्ड है तो मैं जिस कार्ड से, या STCP से, या फिर ये आप देख सकते हैं ये अलराजी का, तो मैं अलराजी को ओपन कर लेता हूँ और मदा को ले आता हूँ, मदा मशीन को। यहाँ पर अमाउंट को मैंने डाल दिया और यहाँ पे मोबाइल को नज़दीक में रख दिया। देखिए, इस तरीक़े से आप पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, ये मोबाइल आपका एप्लीकेशन बंद है तो मदर कार्ड पर यहाँ पर मशीन पर अमाउंट लिख दीजिए और सर्च कर दीजिए। यहाँ से देखिए अपने आप ओपन हो गया वीज़ा। ओके, तो यहाँ से इस तरीक़े से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।